मेरा नाम निमेश कोहली है और मैं अभी बीएससी केमिस्ट्री महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि माया के प्रभाव से कैसे बचे और अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में कैसे रखें। ओके, यहाँ आपका ये जो प्रश्न है कि डिस्ट्रैक्शन जो है, हम कुछ नियम पालन करना चाहते हैं और क्योंकि मन है लालच में आ जाता है तो वो कुछ ऑफर करते हैं, फिर हमें पता भी है, फिर भी हम नहीं चाहते वही भी उसको खा लेते पी लेते हैं जो हमें पता है कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो माया सामान्यतः जो नहीं है ऐसी शक्ति भगवान की कि जो आपको भ्रमित कर देती है, हाँ, आपके मन को भगवान से हटाकर को अन्य वस्तुओं में ले जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर सूर्योदय, मतलब 10 बज गए हैं और सूर्य है, अभी यहाँ पर अंधकार है। अभी आज से मतलब 12 घंटे पहले यहाँ अंधकार था क्योंकि रात्रि थी, अभी बिल्कुल अंधकार नहीं है क्योंकि सूर्य है। तो बताया गया है कि कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य जैसे है, माया अंधकार है, जहाँ सूर्य है वहाँ पर माया नहीं। तो अगर हम जब तक कृष्ण को अपने मन में धारण करके रखेंगे और खासकर कृष्ण के भक्तों के संग में रहेंगे तो माया से बचकर रहेंगे। जैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं फिर मन के ऊपर माया का प्रभाव हो जाता है, फिर हम न चाहते हुए भी वो ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं पी लेते हैं और करते हैं कि जिसका बाद में पछतावा होता है। तो सिंपल है कि हमारी चेतना में परिवर्तन करना है, हमेशा हमारी चेतना में कृष्ण रहेंगे तो माया मन से माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। तो वस्तु यह है कि अकेले मत रहो, ये भी है, माया जब है तब आक्रमण करती, जब अकेले है, आप सबके साथ में है तो आप अगर माया से बच नहीं पाते पर दूसरा व्यक्ति आपको बचा लेगा, हाँ, कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये नहीं करना है, तो आपको बचाने वाला कोई ना कोई है। तो इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहो, मित्रों के संग में रहो, अच्छे लोगों के संग में, हाँ, वरना बुरे लोग, तो अगर बुरे मित्र है तो वो तो स्वयं माया के एजेंट है, तो वो तो आपको उस और ही ले जाएंगे। तो ये भी वस्तु जरूरी है।